मायसेल्फ प्रतिभा द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड। अब कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन स्टीरॉयड हार्मोन में और विटामिन डी में कैसे होता है, इसमें ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन कैसे बनता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है आपका वो प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है, प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है। ये जो 27C लिखा है ये नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में 27 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, प्रेग्निनोलोन में 21 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट ये फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टिरोन में, प्रोजेस्टिरोन स्टीरॉयड हार्मोन होता है, प्रोजेस्टिरोन में 21 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये फर्दर डिवाइड होता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल, ये भी आपके स्टेरॉयड हॉर्मोन्स ही होते हैं। कॉर्टिसोल में 21 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एल्डोस्टेरोन में 21 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं और एस्ट्राडियोल में 80 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटी सी सिंथेसिस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हॉर्मोन कैसे सिंथेसाइज होता है, एंड द ये जो इंडिकेट कर रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी की सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी की सिंथेसिस कैसे होती है, ये उसकी प्रोसेसिंग है। सबसे पहले ये जो विटामिन डी है ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको सनलाइट से मिलता है, ठीक है। ये जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है आपके स्किन पे, देन आपके लीवर, देन किडनी, सो ये यही प्रोसेसिंग है कि विटामिन डी की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से कैसे होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये विटामिन D3 बनाता है जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो वही यहाँ पे है, सबसे पहले 7-dihydrocholesterol कन्वर्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में कोले कैल्सीफेरॉल में, किसमें, कोले कैल्सीफेरॉल में, स्किन में होती है ये प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये है कैल्सियोल की प्रेजेंस में 25-hydroxycholecalciferol, ये शॉर्ट में लिखा है C मतलब कोले, 25-hydroxycholecalciferol में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, आपकी लिवर में। नेक्स्ट ये फर्दर कैल्सीडाइओल 1-alpha-hydroxylase की प्रेजेंस में, कैल्सीडाइओल 1-alpha-hydroxylase की प्रेजेंस में ये 1,25-dihydroxycholecalciferol में कन्वर्ट होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में DHCC भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, DHCC means dihydroxycholecalciferol, यही आपका विटामिन D3 है जो कि कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है। तो ये छोटी सी प्रोसेस है, पहले ये सनलाइट के थ्रू स्किन में होगी, देन लिवर में, देन ये लास्ट प्रोसेस जो है वो किडनी में होती है, ठीक है। तो यही आपका लास्ट में सिंथेसाइज करता है 125 DHCC, दैट इज dihydroxycholecalciferol, जो कि विटामिन D3 भी बोलते हैं इसको। तो ये जो फर्स्ट वाली प्रोसेस थी ये स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस थी, सेकेंड वाली प्रोसेस थी विटामिन डी की, और बाइल एसिड की मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये जो आपके सिलेबस में है कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड में, आपका स्टेरॉयड हार्मोन में और विटामिन डी में कैसे कन्वर्शन होता है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो फर्स्टली आपको ये चार्ट बनाना है, देन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है, ठीक है।